साथियों नमस्कार। शासन के निर्देशानुसार समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के अंतर्गत पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत समस्त यूजर अर्थात एजेंसी डाटा ऑपरेटर, एजेंसी डाटा अप्रूवर, एजेंसी एडमिन, इनके मोबाइल नंबर और ईमेल के वेरिफिकेशन हेतु कुछ चीज़ें बताई गई हैं या वेरिफिकेशन के संबंध में। ठीक है, समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश योजना के अंतर्गत समस्त कार्यालयों डीपीयू डाइट एडीबीसी केजीबीवी आदि 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 पोर्टल पर सबका पंजीकरण है। उस पंजीकरण में अब आपको करना है कि जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उसको वेरिफिकेशन कार्य करना है। ठीक ना, अब वेरिफिकेशन के कार्य के लिए विस्तृत समय सीमा निर्धारित की गई है। जिला परियोजना कार्यालय की है 7/9/23 तक, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान 7/9/23 तक ये भी है, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक एडीबीसी का भी 7/9/23 तक, कस्तूरबा गांधी 10/9/23, इसी प्रकार अन्य अन्य चीज़ें हैं। अब हम डाटा ऑपरेटर और उनके लिए क्या यूजर मैनुअल है वो आपको बता रहे हैं। मित्रों देखिएगा, डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवल के लिए क्या करना, पीएफएमएस पोर्टल पर डाटा ऑपरेटर अर्थात डीओ, डाटा अप्रूवर अर्थात डीए अपने लॉगिन करके माय डिटेल के माय प्रोफाइल में जाएं। ठीक है, डीओ और डीए को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद माय डिटेल में जाएंगे, माय डिटेल के माय प्रोफाइल ऑप्शन में जाना मित्रों। अब इसके लिए और नीचे की तरफ जाके आपको दिखाते हैं। जब पीएफएमएस पे आप लॉगिन करते हैं तो आपको बाएं तरफ इतने कॉलम दिखाई पड़ते हैं मित्रों, देखिएगा ये इतने कॉलम। ठीक है, एडहॉक रिपोर्ट, होम, स्कॉलरशिप मैनेजमेंट, यूजर मैनुअल, टीएसए, माय अकाउंट, यूजर, सी पेमेंट, हेल्थ मॉड्यूल, सेंसस रिपोर्ट, उसके बाद आता माय डिटेल्स। माय डिटेल क्लिक करेंगे तो माय प्रोफाइल आना, फिर माय प्रोफाइल को भी आपको क्लिक कर लेना। अब माय प्रोफाइल उसके अंदर जाके क्या करना, आपको डीओ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के बाद सेंड ओटीपी ऑन ईमेल एंड सेंड ओटीपी बाय एसएमएस पे क्लिक करके ओटीपी ईमेल आईडी मोबाइल पे भेजना है। इसके बाद देखिएगा मित्रों कुछ इस प्रकार की चीज़ दिखाई पड़ेगी। टाइप ऑफ यूजर आएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल लिखा हुआ आएगा, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी आएगी, नीचे अपडेट और बैक लिखा रहेगा। ईमेल जहाँ पे लिखा हुआ मित्रों ईमेल चेक कर लीजिएगा, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो चेंज करके बगल में उसके है सेंट ओटीपी ऑन ईमेल पे क्लिक करके ओटीपी भर देना है। सेंट ओटीपी बाय एसएमएस मोबाइल पे जाएगा, उसको क्लिक करके आपको भर देना है। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह चीज़ें आएंगी मित्रों। उसके बाद ओटीपी भर देना है और वेरीफाई ओटीपी कर देना, दोनों का, मोबाइल नंबर का, ईमेल का, दोनों कर देना और सबसे लास्ट में आप अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक मित्रों, इसके बाद डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर के लिए क्या करना है, सर्च अप्रूवर पर क्लिक करके अप्रूवर की आईडी मिल जाएगी, उसको सेलेक्ट करते हुए सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करना। ठीक ना, सब कुछ करने के बाद सबमिट आपको कर देना है। कुछ इस तरह का पेज दिखेगा मित्रों, करने के बाद ऊपर लिखा आएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, लिख के आ जाएगा। ठीक है, नीचे सर्च अप्रूवर भी दिख रहा है। डाटा ऑपरेटर या डाटा अप्रूवर जब इसको सबमिट कर देंगे उसके बाद मित्रों एजेंसी एडमिन इसको अप्रूव करेंगे। एजेंसी एडमिन की आईडी से लॉगिन किया जाएगा, लॉगिन करने के बाद मास्टर्स में जाएंगे, मास्टर्स में यूजर है, फिर मैनेज ऑप्शन में चले जाएंगे। मैनेज ऑप्शन में जाने के बाद लॉगिन आईडी, फर्स्ट नेम आदि 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 चीज़ें भर के आप सर्च ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ सर्च ऑप्शन, क्लिक करते डाटा ऑपरेटर डाटा अप्रूवर द्वारा दिए गए अपडेट यहाँ आपको दिखाई पड़ेंगे। अप्रूव करने के लिए यूजर से संबंधित एजेंसी एडमिट सबमिटेड हाइपर पे क्लिक कर लेना मित्रों। ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे जाने पे कुछ इस तरह का मित्रों दिखाई पड़ेगा, एजेंसी एडमिट जब अप्रूव करेंगे कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा, सही का निशान लग जाएगा, अप्रूव्ड दिख पड़ेगा हरा हरा। अब इसकी क्रमबद्ध प्रक्रिया सुन लीजिए। लॉगिन डाटा, आप डाटा ऑपरेटर कैसे कार्य करेंगे, लॉगिन करेंगे, गो टू माय डिटेल्स पे जाएंगे, माय प्रोफाइल पे जाएंगे, ऑडिट पे जाएंगे, टाइप मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस पे जाएंगे, फिर अपडेट, उसके बाद क्लिक ऑन ओटीपी करेंगे, एसएमएस के द्वारा एसएमएस आ जाएगा, उसको डाल के वेरीफाई ओटीपी करेंगे, फिर अपडेट पे डाल करना है। अपडेट के बाद सर्च
सर्च अप्रूवर करना है, उसके बाद सेलेक्ट करना यूजर टाइप, एजेंसी एडमिन पहुंचेंगे, फिर सबमिट फॉर अप्रूवल, इतने कार्य आपको करने हैं। उसके बाद डाटा अप्रूवर इसको अप्रूव कर देगा।